डॉक्टर स्नेहा, आप वही हैं जो मैं देख रहा हूं। मुंबई में पैसे कमाने से आपको फुर्सत मिल गई? इंसान बाहर सिर्फ पैसे कमाने नहीं जाता, इज्जत कमाने भी जा सकता है। इज्जत कमाई नहीं जाती, पैसा और ओहदा कमाया जाता है। डॉक्टर स्नेहा माथुर, तुम जैसे कॉलेज में थे ना, वैसे ही हो, कुछ नहीं बदला। तुम भी कहां बदली हो? ये चर्चा हम बाद में भी कर सकते हैं। वैसे प्रतापपुर के इस चैरिटेबल गरीबों के लिए बनाए गए अस्पताल में आप कैसे आई? मेरी बहन सीमा श्रीवास्तव इस अस्पताल में है या नहीं, ये जानने के लिए। सीमा श्रीवास्तव नाम का कोई एडमिट हुआ है? एक मिनट सर, सीमा श्रीवास्तव नाम का कोई पेशेंट यहाँ एडमिटेड नहीं है। इतने दिनों बाद आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरे कल के अपॉइंटमेंट लिस्ट और केस पेपर्स मेरे दफ्तर में भिजवा देना प्लीज। सीमा, देखो खून बहुत बह चुका था, हमने खून चढ़ाया, ऑक्सीजन देना पड़ा, क्लॉटिंग बहुत ज्यादा हो गई थी। कैसी है मेरी बहन? हमारी सीमा बच नहीं पाई। डॉक्टर पाल गायब है, सस्पेंसर ऑर्डर रिलीज कर दिए गए, पर उनकी कोई खबर नहीं है। कहां तक बचकर जाएंगे वो, इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। समझ नहीं आ रहा उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। अब डॉक्टर पूनम बता रही थी कि तुम्हारे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है स्नेहा ने, तुम्हारे साथ के बैच में, मुंबई के बहुत बड़े अस्पताल में। हमारे अस्पताल में अगर विजिटिंग डॉक्टर बनकर आए तो अच्छा रहेगा ना। वो कभी नहीं आएगी, उसके लिए पैसा ओहदा यही मायने रखता है और कुछ भी नहीं। और मुंबई में पैसे हैं, नाम है, स्नेहा को शुरू से ही पता था कि उसे क्या चाहिए और उसे क्या नहीं चाहिए। तुम भी दिल्ली के हो, आखिर तुमने भी यहाँ रुकने का फैसला लिया ना। क्योंकि मैं डॉक्टर नोट छापने के लिए नहीं बना, उन लोगों की मदद करने के लिए बना हूँ जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। एनीवेज, यहाँ के नए एसपी से मेरी पुरानी जान पहचान है, मैं जाकर उनसे मिलता हूँ, शायद डॉक्टर पाल को ढूंढने में हमारी मदद हो जाए। ठीक है। क्या हाल है आपके? दुख देकर सवाल करते हो, है? तुम भी ना गालिब कमाल करते हो, और देखकर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। गालिब का नशा लगता है उतरा नहीं। क्या करें दोस्त, पेशा बड़ा संगीन है, लेकिन फितरत के हम बड़े रंगीन हैं। आप बैठो, बताइए और क्या सेवा कर सकता हूँ। वो डॉक्टर पाल के बारे में तो आपको सब बताया था, वो गायब है, उनकी गिरफ्तारी जरूरी है। दिगंबर को लाइन दो। हाँ सर। दिगंबर,
ये मानवता अस्पताल के जो डॉक्टर पाल हैं, रेडियोलॉजिस्ट, हाँ, अरेस्ट करना उनको। नहीं, केस बहुत मजबूत है, तुम यहाँ से फाइल लेकर जाओ। जी सर, हो जाएगा सर। 24 घंटे में मेरी हिरासत में होना चाहिए उसको, ठीक है? जी जी जी। अब ये बताइए कि आपके लिए खाने में क्या पेश किया जाए? मुझे अस्पताल वापस जाना है। अरे क्यों भाई, दोस्त भी तो मरीज ही होता है ना। अरे प्यार का मरीज, और मैं तुमसे मांग ही क्या रहा हूँ। अरे कुछ रोटी साथ में तोड़ेंगे, कुछ निवाले साथ में खाएंगे, कुछ यादें ताजा करेंगे अपनी। अरे गले साहब वाली पुरानी, आपसे कोई ना कह पाया। चलो ना पोटी, चलो। कैसी हैं आपकी भाभी? बेहतर। वैसे सब आपके काम से कितना खुश हैं। डॉक्टर जैन तो आपकी तारीफें करते थक ही नहीं रहे थे। समझ नहीं आता आपके बिना ये अस्पताल कैसे चल रहा था, या फिर आगे कैसे चलेगा। आपकी नाराजगी किस बात की है, मैं आज तक समझ ही नहीं पाई। तुम समझ के भी हमेशा नासमझ बनती रही स्नेहा, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। बेहतर है कि हम पुरानी बातों को, कॉलेज की बातों को ना छेड़े। तुम्हारे लिए ये पुरानी बातें हैं क्योंकि तुमने एक करियर डिसीजन लिया और मुंबई चली गई। कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तब भी अपने फैसले पर बनी रही और अब तुमने हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचा है, सिर्फ अपने बारे में। मेरे सामने मेरा भविष्य था, मेरे परिवार का भविष्य था। मैंने जो किया सही किया, पर आपको तब भी वो गलत लगा था और आज भी आप वही अटक गए। हाँ, अटका हुआ हूं क्योंकि तुम मुझे भूल चुके हो, पर मैं शायद तुम्हें नहीं भुला पाया। वैसे प्रतापपुर के इस मामूली अस्पताल में अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हैं आप? यहाँ क्या जताने के लिए आई हैं आप? प्रतापपुर हो या मुंबई, सबसे पहले मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टरी करना मेरा फर्ज है। जो आपने किया वो आपका फर्ज नहीं, आपके हालात हैं। एक छोटे इलाके के चैरिटी अस्पताल में काम करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। ये दिन दो दिन का खेल नहीं है, ये काम करने के लिए जिंदगी भर जुड़े रहने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए, जो शायद आपके पास नहीं है। आपने पहले भी कभी मुझे नहीं समझा और अब भी ये साबित कर दिया कि आप मुझे कभी नहीं समझ सकते। कैसी हालत है? वो गर्भवती है, ऐसी हालत में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। इस उम्र में उसका शरीर ये सब झेलने के लायक नहीं है। पर इतनी छोटी सी बच्ची, शादीशुदा और गर्भवती, ये तो यहाँ के लिए आम बात है। बचपन में ही पैदा होते ही इनके माता पिता इनके रिश्ता तय कर देते हैं और 9-10 साल में ब्याह। पर तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है? तुम तो ऐसे बात करी हो जैसे पहली बार प्रतापपुर आई हो। आज तक कोई भी कानून, कोई भी अफसर इसे पूरी तरह रोक नहीं पाया। क्या गलत है, क्या सही है, हम कौन होते हैं तय करने वाले? इसका मतलब आप इसके विरोध में नहीं? मैं समर्थन में भी नहीं हूँ। पर जो विरोध नहीं कर रहा वो समर्थन ही तो कर रहा है ना। मुंबई में रहकर तो तुम बड़ी अच्छी तरह विरोध कर रही हो, है ना? हम डॉक्टर्स हैं और हमारा काम है इलाज करना। इस केस में हमारा फर्ज ये भी है कि हम उसके पति के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करें। समय कम है और एक डॉक्टर का ध्यान उसके पेशेंट की जान बचाने पर होना चाहिए। एक फोन लगाने में कितना वक्त लगता है? अगर नेता बनने का इतना शौक है तो बाहर जाओ, नारे लगाओ और पुलिस को बुलाओ। और अगर एक डॉक्टर हो तो मेरी मदद करो। कोई अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कौन सी सदी में जी रही है लोग? ये लोग, तुम भी इन्हीं लोगों का हिस्सा हो। 4 साल मुंबई में रहने से तुम मुंबई की नहीं हो गई, तुम प्रतापपुर की हो और हमेशा प्रतापपुर की ही रहोगी। डॉक्टर स्नेहा, ये बात मत भूलना।
पहली बॉटल ऑलमोस्ट खत्म। गुड, दो और बॉटल्स रेडी है ना? हाँ, वार्ड बॉय को बोला है वो लेके आ। लगता है आईवी एक्सेस फिर से चला गया, खून जा नहीं रहा है। ये पेरिफेरली शट डाउन है सुमित, कैसे करेंगे? वेन सारी गायब है, फेवरल ट्राई करो। खून टेस्टिंग के लिए भेजना है, चार बॉटल से खून की जरूरत है इसे। हे भगवान, सुमित इसकी हालत गिरती जा रही है, हालत गिरती जा रही है सुमित। पता नहीं किन पुरानी बातों का बस्ता लेकर बैठा हूं, ना उसे पूरी तरह बंद कर पाता हूं ना खोल पाता हूं। मेरे मुंह से जो भी निकला वो बस मेरा गुस्सा था। कभी कभी लोग गुस्से में सच कह देते। सच तो बस ये है कि मैं तुमसे नहीं लड़ रहा था, अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रहा था। तुम अपनी राह में बिल्कुल सही थी, तुमने जो चाहा वो पाया, कर दिखाया। तुम एक अच्छी डॉक्टर हो, मुंबई में तुम्हारा नाम है, सब कुछ है। और मैं पता नहीं तुमसे क्या चाहता था। मैं चाहता था कि उस वक्त तो तुमसे नहीं कह पाया, पर आज कहना चाहता हूं। रुक जाओ, मानवता अस्पताल को तुम्हारी जरूरत है डॉक्टर स्नेहा, यहां रुक जाओ। वैसे तुमने क्या सोचा है, कब जा रही हो मुंबई वापस? जाना तो होगा, बहुत कुछ छोड़कर आई हूं वहां। मेरा छोटा सा घर, मेरी नौकरी, मेरे दोस्त, मेरे पेशेंट्स और बहुत कुछ। बहुत जल्दबाजी में निकलना पड़ा वहां से, जानती नहीं थी कि यहां इतने दिन रुकना पड़ जाएगा। और वैसे भी अब तो यहां सब कुछ संभल चुका है। तुम्हें लगता है यहां सब कुछ संभल गया? लीजिए, आप यहां हैं और हम पूरे अस्पताल के दो चक्कर लगाए, और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से चक्कर ही तो लगाए। वो फटाफट टीवी मैडम के चक्कर में, कभी कहती है मुन्ना यहाँ लेकर चलो, कभी कहती है मुन्ना वहां लेकर चलो। हमने कहा मैडम इस सब के बारे में हम जानते हैं। हमने उनको बताया कि कैसे हमने
डॉक्टर पाल और दिगंबर का पर्दाफाश किया तो कहने लगी, मुन्ना तुम अब तक कहाँ छुपे हुए थे? तुम तो हमारे साथ काम करो, कितने इंटेलिजेंट हो तुम, कमाल। मुन्ना, तुम यहाँ मुझे ढूंढने आए हो या अपनी कहानी सुनाने आए? लो, असली बात तो हम बताना भूल ही गए। आपके भैया पूरा भाई उनको कम दिखाई देता है क्या? सीधा ऑपरेशन थिएटर में घुस रहे थे। हमने कहा, भैया एक बात बताइए, आज रक्षाबंधन तो नहीं है, फिर अपनी बहन को क्यों ढूंढ रहे हो? पिछले साल हमारी बहन भी हमें राखी बांधने आई थी यहीं पे। इतना बड़ा गिफ्ट दिया था हमने उसको, कितनी इमोशनल हो गई थी वो, माँ भी थी साथ में हमारी। और वो आपके भैया कॉन्फ्रेंस हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। इन्हें यहाँ आए हुए कुछ ही दिन हुए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हम इन्हें बरसों से जानते हैं, है ना सर? अरे हम तो भूल ही गए, वो फटाफट टीवी मैडम ने बुलाया था हमें। ओह,